Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of family law 2 which is mentioned in our case mat. Case का नाम है कुपाई वर्सेस राजा गुंडर और ये जो केस है वो मुख्य रूप से एलिनेशन ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में एक फादर होता है जो अपने मैरिड डॉटर के फेवर में डीड ऑफ सेटलमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करता है, यानी कि गिफ्ट के रूप में प्रॉपर्टी का कुछ शेयर जो है अपने मैरिड डॉटर को दे देता है और फिर उसका पोजीशन भी वो मैरिड डॉटर ले लेती है। लेकिन कुछ समय के बाद फादर और डॉटर के बीच में जो है खटास हो जाती है और इस वजह से फादर चाहता है कि वो जो डीड ऑफ सेटलमेंट है वो कैंसिल हो जाए। तो मामला जाता है कोर्ट में। जब मामला कोर्ट में जाता है तो फादर का ये कंटेंशन होता है कि मैंने जो शेयर दिया था प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और चूँकि ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो मैं अकेला जो है इस प्रॉपर्टी में से कोई भी शेयर किसी को भी नहीं दे सकता, ना ही अपने बेटी को भी नहीं दे सकता, यानी कि ये जो मैंने गिफ्ट किया है वो वैलिड ही नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो इस केस का इशू ये है कि इस तरह का जो गिफ्ट फादर ने अपने मैरिड डॉटर के फेवर में किया है वो वैलिड है या फिर नहीं। कोर्ट कहती है कि ये जो गिफ्ट किया गया है फादर के द्वारा मैरिड डॉटर के फेवर में ये पूरी तरह से वैलिड है। कोर्ट आगे कहती है कि फादर के पास ये राइट होता है कि वो एंसेस्ट्रल इमोवेबल प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर जो है गिफ्ट के माध्यम से अपने डॉटर को दे सके, लेकिन ये जो गिफ्ट किया जाएगा वो पायस पर्पस के लिए होना चाहिए और रीजनेबल लिमिट में होना चाहिए। प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो फादर ने 126 शेयर दिया था टोटल होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी का, जो कि एक रीजनेबल लिमिट है, इसलिए ये गिफ्ट जो है वो पूरी तरह से वैलिड है। तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर पिन आउट किया गया है, तो आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।